नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड झुकेगा नहीं, साहिबगंज में बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरहेट प्रखंड के नौगछिया फुटबॉल मैदान व पटना प्रखंड के कुंवरपुर में परिसंपत्ति वितरण समारोह में मंत्री हफीजुल हसन के साथ पहुंची कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड हम सबों की मेहनत से बना है, हम लोग कभी झुकेंगे नहीं। आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बेटे हेमंत सोरेन आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। कल्पना सोरेन ने अपना संबोधन सिद्धू कानू चांद भैरव फुल्लो झानो को नमन करते हुए संताली भाषा में शुरू किया और कहा है कि आज महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही है। महिलाएं अगर शिक्षित हैं तो अपने परिवार व अपने समाज को आगे बढ़ा सकती है। हम सबको अपने हक व अधिकार के लिए आगे आना होगा। कल्पना सोरेन ने कहा है कि अगर आप सभी महिलाएँ एक आवाज़ बनेंगी तो बदलाव निश्चित होगा। हम झारखंडी हैं, यह सम्मान गुरु जी ने दिलाया था। लड़ेंगे तो जी जान से लड़ेंगे, क्योंकि झारखंड कभी झुकता नहीं है। गोली खाता है तो सीने पर खाता है, पीठ नहीं दिखाता है। गिरिडीह में 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई की सौगात। सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह को 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की सौगात दी है। वे रविवार को गिरिडीह जिले के मधुबन पहुंचे, जहाँ पारसनाथ पर्वत स्थित मांझी थाना में उन्होंने पूजा अर्चना की है। पूजा करने के बाद मांझी हड़ामो को सम्मानित किया गया। सीएम पूजा करने के बाद मधुबन के मकर संक्रांति मेले मैदान पहुंचे। उन्होंने 639 करोड़ की लागत से पीराटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड अलग होने के साथ ही बीजेपी के नेतृत्व की सरकार चली गई। पीराटांड दिशोम गुरु शिबू सोरेन की संघर्ष भूमि रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने कभी भी ऐसी योजनाओं के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी ने हमेशा झारखंड की जनता को गुमराह किया। बीजेपी की सरकार के विरोध में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी। वहीं कोरोना के बारे में कहा है कि कोरोना के कारण काम करने का कम समय मिला, इसके बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड का विकास किया है। हजारीबाग में पुलिस उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। हजारीबाग में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। मुठभेड़ में एक उग्रवादी के घायल होने की भी खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बड़का गांव थाना से 22 किलोमीटर दूर स्थित चरखा पत्थर के पास कथित उग्रवादी संगठन TSPC एवं हजारीबाग पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की शुरुआत रविवार को 11 बजे हुई है। यहाँ जंगल आंगो पंचायत के ग्राम कुड़कुआ के अंतर्गत आता है। बड़का गांव पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हजारीबाग SP के नेतृत्व में हजारीबाग एवं बड़का गांव के पुलिस ने चरका पत्थर जंगल के पास मोर्चा संभाल रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार TSPC कमांडर दिवाकर उर्फ प्रताप के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। झामुमो के उपवास का 25वां दिन रिहा होने तक जारी रहेगा संघर्ष। हेमंत सोरेन के समर्थन में झामुमो का उपवास कार्यक्रम 25वें दिन भी जारी रहा है। रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष आयोजित उपवास कार्यक्रम की रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने अध्यक्षता की। इस मौके पर मुश्ताक आलम ने कहा है कि आज उपवास कार्यक्रम का 25वां दिन है। हम यह संघर्ष और मुहिम तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे नेता हेमंत सोरेन रिहा नहीं हो जाते। न्याय यात्रा के माध्यम से भी यह बताने का काम किया जा रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बिना किसी सबूत के हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर जेल भेजने का काम किया। इसका जवाब आम जनता और कार्यकर्ता को 2024 के चुनाव में देना है और जनता का काफ़ी स्नेह और सहयोग झामुमो को प्राप्त हो रहा है। इंडिया गठबंधन बंगाल के बाद झारखंड में भी बिखरा। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन से लोहा लेने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है, मगर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ऐसा लग रहा है कि यहां महागठबंधन बिखर जाएगी। दरअसल इंडिया गठबंधन के घटक दलों में एकता नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को नज़रअंदाज करते हुए राज्य की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं बंगाल के इतर झारखंड में भी इंडिया के एक घटक दल ने अपना रास्ता अलग करने का प्लान बना लिया है। झारखंड में अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया है कि वह राज्य में 14 लोकसभा सीटों में 8 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं CPI ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
सूखे से निपटने के लिए झारखंड के 10 जिलों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का हो रहा काम। झारखंड के कृषि योग्य खेतों तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर झारखंड सरकार का जल संसाधन विभाग तेजी से काम कर रहा है। विभाग ने उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल के 10 जिलों पर विशेष फोकस किया है। इन जिलों में हजारीबाग, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, जामतला, दुमका, पलामू, लातेहार, गढ़वा, सरायकेला, खरसवा शामिल हैं। इन जिलों में विभाग 11 ऐसी सिंचाई परियोजना पर काम कर रहा है जिसके पूरे होने से इन जिलों के 2,47,166 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि को सिंचित कर पाया जाएगा। वहीं सभी परियोजनाएं पर काम अभी चालू है। संथाल परगना प्रमंडल में देवघर प्रखंड के पुरानी गांव में पुनासी जलाशय परियोजना पर भी काम चल रहा है। जेएमएम और बीजेपी के उम्मीदवार आज दाखिल करेंगे नामांकन। झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को भाजपा प्रत्याशी प्रदीप वर्मा तथा झामो प्रत्याशी सरफराज अहमद नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों प्रत्याशी चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर को अपना नामांकन पत्र सौंपेंगे। चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन खत्म हो जाएगा। रविवार को कांग्रेस तथा झामुमो विधायक दल की बैठक में सरफराज अहमद पर सहमति बनी है। इस दौरान प्रस्तावक के रूप में विधायकों से हस्ताक्षर भी लिए गए। इधर इन दोनों प्रत्याशियों के ही नामांकन करने से दोनों के निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो जाएगा। रांची में ट्रक बस के बीच भीषण टक्कर, 2 की मौत, कई घायल। झारखंड की राजधानी रांची खूंटी मेन रोड 2 वाहनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। तुप्पूदाना फ्लाईओवर के नीचे बालू लदे हाईवे एवं बस के बीच आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। बता दें कि 2 लोगों को गंभीर स्थिति में पुलिस द्वारा राज हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पटना से चाईबसा जा रही मां विषहरी रथ पटना से चाईबसा लौट रही थी, वहीं बालू लदे हाईवे रिंग रोड के साइड रोड से नामकुम की ओर जा रहा था। झारखंड में 13 मार्च को बारिश के आसार। पिछले 3 दिनों से राजधानी समेत आसपास के जिलों में तेज धूप ने सर्दी के असर को कम कर दिया है। राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान की बात करें तो 11 व 12 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 13 मार्च को शहर व आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने की संभावना जताई गई है। बता दें 13 मार्च तक दोपहर में धूप के साथ रहकर आंशिक बादल के छाने और छिटपुट वर्षा की संभावना बनी है। 13 मार्च व इसके अगले 2 दिनों तक राजधानी के आसपास सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, बोकारो में वर्षा हो सकती है। पुल निर्माण का श्रेय लेने के लिए बीजेपी और जेएमएम में जंग। धनबाद के निरसा के बरबेंदिया पुल के शिलान्यास के नाम पर रविवार को जमकर राजनीति हुई। एक ही दिन में इस पुल का 2 जगहों पर शिलान्यास किया गया। इस पुल के श्रेय लेने के लिए भाजपा व झामुमो में जुबानी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक ओर जामतला के वीरग्राम फुटबॉल मैदान के भव्य समारोह में 263 करोड़ की लागत से 2,984 मीटर लंबा बरबेंदिया पुल का शिलान्यास किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के धनबाद सांसद पीएन सिंह व विधायक अर्पणा सेन गुप्त ने निरसा में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जुटाकर बरबेंदिया पुल का शिलान्यास कर इसका श्रेय लेने की कोशिश की है। झारखंड में गुंडा राज कायम, योगी सरकार के मंत्री ने चंपई सरकार पर लगाया आरोप। केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद कश्मीर, श्रीनगर, झारखंड सहित पूरे देश भर में आतंकवादी, उग्रवादी एवं बम फटने की घटना बंद हो गई है। भारत में कानून का राज है, यह बातें झारखंड दौरे पर पाकुड़ पहुंचे भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने परिसदन में पत्रकारों से कही। वहीं उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री ने कहा कि 2014 के पूर्व देश की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, अब काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। भारत का विदेशों में सम्मान बढ़ा है। संकट में पड़ी बहु बेटियों को मोदी सरकार ने विदेशों से सुरक्षित वापस लाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य पंथ के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों को मान सम्मान और भरपेट भोजन मिले। आज़ादी के बाद जिस प्रकार देश की विधि व्यवस्था चौपट हुई थी उसे मोदी सरकार ठीक कर रही है। पलामू टाइगर रिजर्व में दिखा बाघ। झारखंड के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट पलामू टाइगर रिजर्व में फिर बाघ की एंट्री हुई है। बीती रात बाघ की तस्वीर कैमरा ट्रैप के माध्यम से कैद की गई। बाघ के स्ट्राइप्स के माध्यम से विशेषज्ञों ने यह पहचान की है कि पिछले वर्ष नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में जो बाघ दिखा था वही फिर इस इलाके में अपनी गतिविधियाँ बनाए हुए हैं, जिसकी तस्वीर स्पष्ट सामने आई है।
1129 वर्ग किलोमीटर से फैली पीटीआर में अलग अलग जगह पर लगाए गए 50 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। बता दें, बाघ की शारीरिक बनावट को आधार बनाकर विशेषज्ञों की टीम ने विश्लेषण के आधार पर यह बताया है कि पीटीआई के अलग अलग जगहों पर चार बाघों की गतिविधियां लगातार बनी हुई है। रांची से बनारस वंदे भारत ट्रेन की शुभारंभ 12 को। रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रांची से यह ट्रेन सुबह 5:10 पर खुलेगी। वह बनारस दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। रांची से बनारस का सफर 7 घंटा 50 मिनट का होगा। रांची से बनारस के लिए इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया नाश्ता व भोजन के साथ 2725 रुपये व बिना नाश्ता और भोजन के 2325 रुपये है। वहीं चेयर कार का किराया नाश्ता व भोजन के साथ 1505 व बिना नाश्ता व भोजन के साथ 1160 रुपये है। वहीं बनारस से रांची आने वाले यात्रियों को नाश्ता की सुविधा नहीं मिलेगी। धनबाद जेल में हुई छापेमारी। धनबाद जिला प्रशासन की टीम ने रविवार की सुबह धनबाद जेल में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक कैंची, 2 नेल कटर, 1 चिलम व 1 मोबाइल चार्जर बरामद किए गए। बरामद सामान को प्रभारी कारा अधीक्षक को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार वरीय अधिकारी और पुलिस जवान रविवार की सुबह लगभग 7 बजे धनबाद जेल पहुँच गए और विभिन्न वार्डों की जाँच की। इस क्रम में कैदियों से भी पूछताछ की गई। अधिकारी इसकी रिपोर्ट तैयार कर डीसी को सौंपेंगे। धनबाद जेल के कैदी वार्ड से छापेमारी के दौरान मोबाइल चार्जर की बरामदगी से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। देवघर के 7 थाना क्षेत्रों में छापेमारी, 9 गिरफ्तार। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा सहित कुंडा थाना क्षेत्र के नयाडीह, जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी, देवीपुर थाना क्षेत्र के कर्णपुरा, करौ थाना क्षेत्र के डिंडा कोली, सवारा थाना क्षेत्र के चरघरा व सारठ के पथरड्डा ओबी क्षेत्र के रंगा मटिया गांव में छापेमारी अभियान चलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल फोन व 15 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इनके पास से बरामद फोन व सिम कार्ड खंगालने पर विभिन्न राज्यों में हुए 4 क्राइम के लिंक भी मिले हैं। धन्यवाद।